आज जब ESP32 का अभ्यास करने वाला है, सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि कुछ ऐसे आर्डियोनो बोर्ड्स होते हैं जिनके अंदर वाईफाई का फीचर होता है और कुछ ऐसे आर्डियोनो बोर्ड्स होते हैं जिनके अंदर वाईफाई का फीचर नहीं होता। कुछ ऐसे आर्डियोनो बोर्ड्स होते हैं जिनके अंदर ब्लूटूथ का फीचर होता है, कुछ ऐसे आर्डियोनो बोर्ड्स होते हैं जिनके अंदर ब्लूटूथ का फीचर नहीं होता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर वी आर यूजिंग एन आर्डियोनो बोर्ड, बट उसके अंदर कोई भी वाईफाई का फीचर नहीं है। एंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट वी नीड इंटरनेट, बट जो आर्डिनो बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर तो कोई वाईफाई का फीचर है ही नहीं, एंड वाईफाई की मदद से इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है, राइट? बट दैट आर्डिनो बोर्ड डजेंट हैव एनी फीचर ऑफ वाईफाई, देन हमें इंटरनेट का एक्सेस उस आर्डिनो बोर्ड के लिए कैसे मिलेगा और हमारा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? तो दिस इज अ प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है ESP32। अब ESP32 को तुम एज अ सेपरेट मॉड्यूल कंसिडर कर सकते हो या एज एन एक्सटेंशन बोर्ड कंसिडर कर सकते हो। ESP32 के बारे में तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि ESP32 के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के फीचर्स अवेलेबल है। ठीक है, अब ESP32 को तुम्हें आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है, एंड बिकॉज ESP32 हैज एन फीचर ऑफ वाईफाई, तो वाईफाई के मदद से इस ESP32 को हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड बिकॉज दिस ESP32 इज कनेक्टेड विद द आर्डिनो बोर्ड, इन दिस वे द आर्डिनो बोर्ड शैल गेट एन एक्सेस टू द इंटरनेट। अब ESP32 के बारे में तुम्हें और एक चीज समझने की जरूरत है, विच इज ESP32 इज क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाई एक्सप्रेसिव सिस्टम्स, ESPRESSIF और सिस्टम्स, विच इज अ शंघाई बेस्ड चाइनीज कंपनी। ठीक है, और ESP32 के ये कुछ फीचर्स हैं। अब ऑब्वियसली ये सारे के सारे फीचर्स तुम्हें इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, अब वो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं लिखते बैठ सकता, यहाँ पे कुछ उसके फीचर्स मैंने लिखे हुए हैं। अब हम ये समझते हैं कि तुम ESP32 को आर्डियनो बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर ये हमारा आर्डियनो बोर्ड है तो D1 और D0 से जो ESP बोर्ड का RX और TX है, वी हैव टू कनेक्ट दिस। अगर तुमने मेरा आर्डियोनो का लेक्चर देखा होगा तो ये क्या है ये तुम लोग को पता होगा, राइट? अगर नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के बाद देख सकते हो, राइट? आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग। एंड यहाँ पे जो पावर पिन्स है, दीज लाइक विद हेल्प ऑफ मतलब दिस इज द सोर्स जहाँ से ESP32 को पावर मिलेगा, इसको एक्सटर्नल पावर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन बिकॉज ESP32 वुड हैव द फीचर ऑफ वाईफाई, विद हेल्प ऑफ वाईफाई दिस ESP32 शैल बी कनेक्टेड विथ इंटरनेट, एंड बिकॉज ESP32 इज कनेक्टेड विथ आर्डियनो तो द आर्डियनो शैल गेट एन एक्सेस टू द इंटरनेट। ओके, तो मेजरली अगर तुम्हारे पास आर्डियनो बोर्ड है एंड इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि उसके अंदर तुम इंटरनेट का एक्सेस कैसे ले सकते हो बिकॉज देर इज नो फीचर ऑफ वाईफाई इन दैट आर्डियनो बोर्ड, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तुम्हारा ESP32 का मॉड्यूल। तुम उसको चिप कह सकते हो या एक मॉड्यूल कह सकते हो या एक एक्सटेंशन बोर्ड कह सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ लेक्चर कैसा लगा। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा तुम्हें पता है। थैंक यू सो मच।